नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीके। मैं हूं आपके साथ संध्या वर्मा। समय है अपने जालौन का। अपना जालौन की खबरें शुरू करेंगे जालौन की कुछ खास खबरों के साथ। जालौन में एक बुजुर्ग जिनकी उम्र भले ही 80 साल हो लेकिन जज्बा युवाओं जैसा है। बुजुर्ग के इशारों पर थिरकता यह घोड़ा बुजुर्ग से बहुत प्यार करता है। बुजुर्ग ने बताया कि उसकी 3 पीढ़ियों को घोड़ों से दोस्ती और प्यार है, लेकिन अब युवा पीढ़ी नहीं रखती है इन सब चीजों में इंटरेस्ट। बाबा, क्या नाम है आपका? नायत खा। अच्छा, कितने सालों से आप ये घोड़ा नचाने का काम कर रहे हैं? हम पेट से शुरू हो गए। मतलब पेट से शुरू हो गए। हम समझ नहीं पाए आपकी बात। जब माँ के पेट में थे जब से ही हम शुरू, हमारे खानदानी काम। अच्छा, आपके पिताजी भी यही काम करते थे? हमारे पिताजी, दादाजी, हर आदमी यही। अच्छा, तो ये जानवरों से आप बात करते हैं, घोड़े से इस तरीके से आप बात कर रहे थे अभी। हाँ? तो क्या आपके भाषा समझते हैं ये? कैसे समझते ना, समझे वो काम क्यों करें, जो कहेंगे वही करें। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले यहाँ बंगराई के हैं और शेरपुरा के। समझ लो, शेरपुरा पैदा शेरपुरा की। सरकार द्वारा संचालित गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ होने के कारण वहां मौजूद कर्मचारियों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। सारा दिन इंतजार करने के बाद भी जब किसान नहीं आए गेहूं खरीदने, तो थक हार कर खुद ही कांटे पर बैठ गया मजदूर, जिसकी तस्वीरें हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल। उरई कोतवाली क्षेत्र के हल्दोई गुजर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कार चालक को जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोच शाखा में HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात है कार चालक, जो कोच से उरई जा रहा था। ग्रामीण डिजिटल संरक्षता अभियान के अंतर्गत EKYC कराने के बहाने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कमान सर्विस सेंटर की आड़ में लोगों के खेतों से ऑनलाइन फ्रॉड कर रुपए निकालने वाले 2 अभियुक्तों को लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र अधिकारी जालौन संतोष कुमार के निर्देशन में कुठौन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित कई अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। कुठौन थाना पुलिस को आज एक अहम सफलता हाथ लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन ठगी यानी कि ग्रामीण साक्षरता मिशन के डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म पर EKYC के तहत लोगों के खाते से पैसे ट्रांसफ़र कराना, यानी कि थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कराकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी जालौन संतोष कुमार ने बताया है कि दोनों लोगों का काम ये था कि ये जो है ग्रामीण साक्षरता मिशन के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये लोग काम करते थे और लोगों को EKYC के जो है कराने के नाम पर थर्ड पार्टी ऐप से उनके खाते से पैसा ट्रांसफ़र करा लेते थे। लोगों ने जब शिकायत की तो शिकायत को गंभीरता से ले गया और तत्काल जो है इस पर एक्शन लिया गया है और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से कंप्यूटर, लैपटॉप, डिवाइस और अन्य जो जरूरी कागज दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं। पूरे मामले की जाँच की जा रही है, जाँचों उपरांत विधिक कार्रवाई और आगे जुड़ी जाएगी। सर, ये थाना कुठौन में आज मुजरिम पकड़े गए हैं, इनका क्या मामला है? ये 2 लोग पकड़े गए हैं, ये लोग लोगों के खाते से ऑनलाइन पैसा निकाल लेते थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत इन लोगों को लगाया गया था कि लोगों को डिजिटली साक्षर करें, जिसमें ये लोगों से उनके आधार कार्ड और उनके बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लेते थे, जिसमें EKYC के थ्रू एक थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से लोगों के अकाउंट तक ये पहुंच अपनी बना लेते थे। जो बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन ये लेते थे लोगों का, उसको एक फाइल में बना करके कंप्यूटर में सेव कर लेते थे। जो डिवाइस जिसमें थंब इम्प्रेशन लेते हैं ये लोग, उसी डिवाइस के माध्यम से वो फाइल दोबारा डिवाइस में ले आ करके उसको यूज करके पेमेंट गेटवे से पैसा निकाल लेते थे। इसमें सर, ये जो मतलब इन पे कोई अथॉरिटी लेटर मिला है, किस संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं या कुछ मतलब और जानकारियां इनसे आपने पाई हो? अभी ये इनसे जब पूछताछ किया तो इन्होंने बताया कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हमें ये काम मिला है। तो कॉमन सर्विस सेंटर ने इनका कोई वेरिफिकेशन किया है कि नहीं किया है, किस तरह से इनको काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सारी चीज़ हम अपनी विवेचना में देखेंगे। तो कॉमन सर्विस सेंटर वालों से अभी आपकी कोई बातचीत हुई? कुछ लोग आए विवेचना में, उनको भी उनसे पूछताछ करेंगे कि इस तरह के लोगों को जो उन्होंने काम दिया है तो कोई अथॉरिटी लेटर दिया है कि नहीं दिया है,
ये लमसम वेरिफिकेशन इनका कराया है कि नहीं कराया है, ये भी हमारे जांच का विषय होगा। ये कितने समय से लमसम काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये अभी तो ये पूछताछ में बताया कि लगभग 2 महीने से ये काम कर रहे हैं। 2 गांव इनको यहाँ पे बहुत ब्लॉक का मिला था, इन्हीं 2 गांव में ये अभी काम कर रहे थे। और अब इसमें आगे की कार्रवाई, मतलब जाँच जो चल रही है, इसमें कॉमन सर्विस सेंटर वालों से आपकी बातचीत अभी हुई कुछ? नहीं, करेंगे बात, विवेचना में सब शामिल करेंगे। ठीक है। ये थी आज की कुछ खास खबरें अपने जालौन में। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।